मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आरएसएस के लोगों ने अपना गढ़ बना लिया है, उस पर आपकी क्या समझ है? ये असल में ये 47 से ही किया हुआ है, और मैं जो सबसे चौंकाने वाली बात आपको आपके सामने रख रहा हूं, एक जस्टिस है देश के अंदर जो गरीब है, जो सरकारी आंकड़ा है वो भी आपको बता रहा हूं। सारे गरीब, सारे देश के अंदर जो 31 करोड़ 70 लाख बीपीएल हैं, मोदी के बहुत भक्त हैं, और भक्त होने की वजह से ये, आपने इसमें ओबीसी एससी एसटी को बाहर क्यों किया? तो उन्होंने फरमाया कि वो तो इतने सालों से आरक्षण का फायदा भोगते हुए बराबर हो गए, लगभग बराबर हो गए उसके। और अच्छा, टोटल में अगर आप जाएंगे 51,224 पोस्ट खाली हैं इस लेवल पर, जबकि 34,553 भरी गई हैं। अच्छा, उससे भी भयानक आंकड़ा अभी आने वाला है। इस देश की अस्मिता के साथ, इस देश का संवैधानिक जो ढांचा है उसके साथ सैद्धांतिक बलात्कार किया जा रहा है, एक बलात्कार किया जा रहा है। आप सभी का, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर शमशुल इस्लाम, जिन्होंने की कट्टरपंथ की जो विचारधारा है उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो ईडब्ल्यूएस कोटे के ऊपर जो आदेश जो आया है, और उसमें किस तरीके से 3 जजेज ने इसका समर्थन किया, 2 जजेज ने इसके खिलाफ डिसेंट दिया वहां पर। हालांकि वो उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं उस पर वो सहमत नहीं हुए। इसकी जो पूरी ये जो पूरा आइडिया है ईडब्ल्यूएस कोटा, यानी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का ये नैरेटिव, ये पूरा जो फिलॉसफी है ये कहाँ से निकल कर आती है, इसको हम समझेंगे। और ईडब्ल्यूएस कोटे या आर्थिक आधार पर आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर जो कट्टरपंथी लोगों की जो विचार रहे हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है डॉक्टर शमशुल इस्लाम जी आपका। जय भीम जी। जी जी नमस्कार आपका। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद जी। इनकलाब जिंदाबाद सर। सर आप बताइए, आप इस जजमेंट को किस तरीके से देखते हैं? ये जजमेंट, अगर मैं एक इस देश का मानव व समाज शास्त्री, सतीश देश पांडे है उनका नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है सोशियोलॉजी के, अगर उनके लफ्ज इस्तेमाल करूं, और जो बिल्कुल सही है कि ये जो भी सकारात्मक मदद, जो दबे कुचलों की, जो शूद्रों की, जो एससी एसटी ओबीसी के लिए जो भी भारत के संविधान में कभी भी व्यवस्था की गई थी, ये उसकी अंत्येष्टि निकाल दी है उन्होंने। ठीक, यानी उसकी अंत्येष्टि निकाल दी और उसका क्रियाक्रम भी कर दिया है उन्होंने। ये जो है भारत के इतिहास में, इसकी कोशिशें 1951 से चल रही थी आजादी के फौरन बाद से ही। और मुझे लग रहा है कि हम इसमें बहुत तकनीकी उसमें नहीं जाकर, क्योंकि ये कोई लॉ जानने वालों का तो नहीं है पोर्टल, और इसमें हम जो है हम उसके सिद्धांत और उस चीजों को जानेंगे, इसकी तकनीकी चीजों को भी जानेंगे। लेकिन मैं जो बात शुरू करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने लगभग 40 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया, और उसमें हम इक्वालिटी का जो कंसेप्ट था वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, दोनों में पढ़ाते थे। क्योंकि दुनिया में तो हॉब्स लॉ रूसो के संदर्भ में हम पढ़ाते थे, और यहाँ पर हमारे यहाँ भारत के संविधान के संदर्भ में, क्योंकि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान था दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिसमें इसको प्राथमिकता दी गई थी, और अपने आप में अब इकलौता संविधान था। और वो संविधान किन की वजह से बन पाया था, किन के नेतृत्व बना था, वो हम सब जानते हैं अच्छी तरह। बाबा साहब का उसमें बहुत बहुत बड़ा रोल था। हालांकि वो संविधान जब पूरे रूप से लागू हुआ तो उसमें पिछले दरवाजे से बहुत सारे हिंदुत्ववादी चीजें घुसा दी गई थी, पर उसके बावजूद भी ये एक बहुत बहुत शानदार संविधान था जिसमें आपकी हैसियत नहीं, आपकी औकात नहीं, आपकी जाति नहीं, आपका पैसा नहीं, आपका रंग नहीं, आपका नस्ल नहीं, आपका इलाका नहीं,
बल्कि आपको सबको बराबर माना गया था। तो मैं जब हम ये इक्वालिटी का सवाल आता था तो मैं ये उनको बताता था कि देखिए इक्वालिटी के दो मायने होते हैं। एक इक्वालिटी ये होती है कि हम सब बराबर हैं। ये जो लुटेरे शासक वर्ग हैं ये उनका ये कहना है कि हम सब बराबर हैं और सब सब एक जैसे हैं तो इसलिए सबको सब कुछ करने की इजाजत होनी चाहिए। यानी उनका 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 क्या तर्क होता था इसके लिए, और जो जो मैं क्लास में रखता था वो तर्क ही होता। और उसको लेकर ये भी बताना चाहता हूँ कि निशान नाट्यमंच जिस नुक्कड़ नाटक संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसका नाटक है टुकड़ा नहीं पूरी रोटी लेंगे। और रजत जी आप ये जो है इस नाटक की भी मैं PDF आपको भेजूंगा जो आप लगा दीजिएगा इसको, अगर मैंने अभी तक आपको भेजी नहीं है तो। इस नाटक में क्या था कि हम एक 500 गज की दौड़ रख रहे हैं और उस 500 गज की दौड़ के अंदर हमने एक ही जगह भागना है, एक ही जज है, एक ही नियम है, एक ही माहौल है, एक ही दिन है। और लेकिन उसके अंदर क्या है, कुछ लोग हट्टे कट्टे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको सब कुछ सुविधाएं हैं, उन्होंने खूब खाना खाया हुआ है, खूब उनका मसाज होता है, खूब वो सुबह बादाम खाते हैं, उनको पेस्टराइज मिल्क पीते हैं। दूसरे वो हैं जो कुछ मजदूर हैं जिनको 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं उसके बाद जिंदा रहते हैं वो, उसके बाद बेरोजगार लोग हैं उसके अंदर। उसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी नजर कमजोर है। तो इनको आप एक दौड़ में दौड़ा दीजिए और कहिए कि सब बराबर है, जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। तो ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी है और ये सीधी सीधी गैर बराबरी को लागू करने का नियम है। भारत के संविधान ने इसको नहीं माना। भारत के संविधान में ये किया गया कि जो जो एक तरह की स्थिति में है उनके साथ एक तरह का व्यवहार होगा, अलग अलग स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार होगा। और क्योंकि बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान बनना था तो उसमें ये भी हुआ कि हजारों साल से जिन लोगों के साथ अन्याय किया गया, उनको इंसान नहीं माना गया, उनको जानवर से बदतर ट्रीट किया गया, उनको उनको ये कहा गया और मनुस्मृति को लागू करते हुए कि उनका काम बाकी तीन जातियों की बिना कोई सवाल उठाए उनकी सेवा करना है और वो कभी भी बराबरी के हकदार नहीं हो सकते, वो हमेशा ही गुलाम रहेंगे, वो कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते। अगर वो किसी ऊंची जाति, ये तीनों में से जो तीन ऊंची जातियां उनमें से किसी के बराबर में बैठ जाएंगे तो उनके नीचे वाला हिस्सा काट दिया जाएगा, ऊंची आवाज में बोलेंगे तो उनकी जबान निकाल दी जाएगी, अगर उनके कानों में कुछ लोग की आवाज चली जाएगी जो वो नहीं गा रहे हैं बेचारे, कहीं से गुजर रहे हैं और चले गए तो उनके कान में आप उबलता हुआ तेल डालेंगे। तो ये जो स्थिति थी इसमें उनको बराबरी की लड़ाई क्या, उनको इंसान नहीं माना गया, उनकी स्थिति बहुत खराब है और इसके लिए उनको कुछ आपने मदद करनी होगी उनकी। और ये बाबा साहब से वायदा जो था सबसे पहले हो गया 1932 के अंदर पूना पैक्ट के अंदर। ठीक, देखिए दलित साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूं और गैर दलित साथी भी, जो गैर बहुजन साथी भी इसको सुन रहे हैं कि ये जो आरक्षण SC ST के लिए ओरिजिनली हमारे संविधान में था ये किसी के बाप दादा की भीख नहीं थी, ये किसी का एहसान नहीं था, ये हमारा जो देश है, हमारा देश ये 500 भागों में टूट जाता। मुस्लिम लीग तो उसको बाद में लगी थी इसको मुसलमानों को अलग करने के लिए, ये अगर जाति के नाम पर बढ़ता और अगर डिप्रेस क्लासेस उस जमाने में इनको कहते थे, अंग्रेजों ने उनको अलग मताधिकार दे दिया था और अगर वो बनता तो ये देश 500 से क्या 5000 देशों में बढ़ जाता। लेकिन गांधी जी चले गए आमरण अनशन पर, गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए और इस तरह की स्थिति हो गई कि बाबा साहब को उस मांग के लिए खड़े थे उन्होंने उसको छोड़कर एक समझौता कर लिया और ये समझौता उन पर हिंदू धर्म के ब्राह्मणिकल जो तमाम मानने वाले थे गांधी जी के समय उन लोगों ने एक पूना के अंदर एक पैक्ट किया। बहुत लंबी बातचीत चलती रही, इसमें हिंदू धर्म के सारे पॉलिटिकल लीडर, जो हिंदू महासभा के भी लीडर थे, जो आर्य समाज के भी लीडर थे और कांग्रेस के भी लीडर थे,
और उनमें अलग से गांधी जी और ये सब दूसरे लोग भी थे, एक समझौता हुआ। और इस समझौते में पॉइंट नंबर 8 और 9 के अंदर, पॉइंट नंबर 8 और 9 के अंदर रहकर जी एक बात बहुत साफ कर दी गई कि एक तो ये था कि आप जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो विधानसभा है केंद्र की और राज्यों की, उसके अंदर एक उनको आरक्षण देंगे, उनको उनका आरक्षण देंगे। जो जनरल एडल्ट फ्रेंचाइज में जो जनरल कैटेगरी बनेगी उसमें से इनकी सीट्स को अलग करेंगे, और उसकी एक संख्या भी निर्धारित की गई। और ये भी तय किया कि संख्या की संख्या जो है वो बढ़ती रह सकती है, संख्या बढ़ने के साथ वो संख्या बढ़ती रह सकती है। दूसरी बात उसमें ये की गई कि इन रेस्पेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेस क्लासेस इन दीज रेस्पेक्ट सब्जेक्ट टू सच एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज मे बी लेड डाउन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक सर्विसेज, कि पब्लिक सर्विसेज के अंदर जो नौकरियां हैं उसमें बुनियादी तौर पर जो आपकी जरूरत होगी, जो कंडीशन होगी नौकरी की, उसके अंदर इनको इनका ध्यान रखा जाएगा। और उसके अलावा जो एससी एसटी हैं उनकी शिक्षा के लिए फंड मुहैया कराए जाएंगे, ये वायदा किया गया। अगर ये पूरा पैक नहीं होता तो आज हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के अंदर नहीं रह रहे होते। ये पता नहीं कितने नामों से कितने देश होते, यानी हो सकता है ब्राह्मणों के अलग देश होते, क्षत्रियों के अलग देश होते, वैश्यों के अलग देश होते, और दलितों के भी अपनी जातियों के अलग अलग वेद होते। मान लीजिए दलित शूद्र भी तो बहुत जातियों में बहुत उनके वो थे ना, बहुत भाग थे, तो वो भी अलग अलग होते। जी यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। आपका ये कहने का मतलब है चूंकि पूना पैक्ट जो माफी चाहूंगा जो कम्युनल अवार्ड है उसमें जो दलित हैं उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र मिले और दो दो मताधिकार मिले, है ना, इसकी वजह से देश विखंडित हो सकता था, ये आप कहना चाहते हैं? जी। इसका मुझे आप थोड़ा सा एक शॉर्ट में आप थोड़ा सा अपना लॉजिक मुझे आप समझाइए कि ऐसा आपको क्यों लगता है, क्योंकि मैं इससे थोड़ा सा इतर सोचता हूँ। नहीं वो आप बताइए क्या सोचते हैं उसके बाद। नहीं, मैं चाहता हूँ सर आप बताइए। नहीं बात ये है, मुसलमानों को अलग से आपने वोट देने का अधिकार दिया, ठीक, देश बटा, है ना। और आप अगर डिप्रेस क्लासेस जिनको कहा जाता था उन डिप्रेस क्लासेस को अगर आप मत देने का अधिकार देते तो वो डिप्रेस क्लासेस में अगर जो ऊंची जाति के डिप्रेस क्लासेस यानी शूद्र यानी जो सबसे नीचे जिसको जाति कहा गया उसका काम है शूद्र और दलित, शूद्र और हाँ दलित तो संघर्षों के बाद उसको नाम दिया गया ना, पहले तो बाबा साहब के जमाने में डिप्रेस क्लासेस थी, डिप्रेस क्लासेस जो थी इनको आप अलग देते तो वो विखंडित होने की जो प्रक्रिया शुरू होती वो कहां जाकर खत्म होती उसका कुछ अंजाम आप अभी नहीं जान सकते। जी मैं देखिए विखंडित होने की प्रक्रिया शुरू होती क्यों, मेरा सवाल ये है। अब मैं यहाँ पर अपना सवाल रखने के साथ मैं अपना जवाब भी दे रहा हूँ। अब यहाँ पे दलितों के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दलितों को अधिकार मिला, क्यों अधिकार मिला, क्योंकि उनको इतने सालों से दबाया जा रहा था। ये विखंडित जो करते वो दलित तो नहीं करने वाले थे, ये तो वो लोग करते जिनको इससे प्रॉब्लम थी, जो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे वो इसको इसके प्रतिरोध में आते जो कि आए भी। तो यहाँ पर ये मैं नहीं समझ पाता कि दलितों को अधिकार मिले उससे देश नहीं बैठता, दलितों को अधिकार मिले वो बर्दाश्त ना करने की वजह से देश बैठता, मेरा तर्जी नहीं। हाँ और नहीं मैंने आपको बताया पहले कि जो ऊंची जाति के लोग जब अपने आप को चुनाव प्रक्रिया के अंदर जब वो अलग होते तो वो भी एक थोड़ी रहते, वो एक्जेक्टली उनमें आपस में ब्राह्मणों के अंदर 5,000 गोत्र हैं, क्षत्रियों के अंदर है वो क्षत्रियों के अंदर और ब्राह्मणों के अंदर इस तरह से है कि एक ब्राह्मण के गोत्र क्या है, एक ऊंचे दर्जे का ब्राह्मण नीचे दर्जे की ब्राह्मण से शादियां नहीं करते हैं, क्षत्रियों के अंदर ही है, आपस के अंदर शादियां नहीं करते ऊंची जाति के लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये प्रक्रिया शुरू होती, और मैं फिर यहाँ बाबा साहब के उन शब्दों को याद कराना चाहता हूँ, बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मणिज्म क्या है, वो बांटता है और वो बांटने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती है। Exactly. बांटने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। और हम इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाबा साहब को हरवाने में जो शूद्र समाज था, जो दलित समाज था, उसको बटवाकर बाबा साहब को चुनाव में हरवाया गया था। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैं फिर मैं ये कहूंगा कि
चूंकि कम्युनल अवार्ड दलितों को मिला, इससे देश विखंडित नहीं होता। मैं दोबारा, मेरी पूरी बात सुनिए, उससे ये देश विखंडित नहीं होता, बल्कि उस कम्युनल अवार्ड में जो अधिकार दलितों को मिले उससे नफरत करने वाले लोगों की वजह से विखंडित होता। मेरा बहुत सिंपल। नहीं रजत जी, इसमें एक बात और सुन लीजिए जी। वो चुनाव के सवाल ने एक और सवाल को रेखांकित कर दिया। बाबा साहब के नेतृत्व में जो पूरा डिप्रेस क्लासेस की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उन्होंने कहा पहले ये बताओ कि हमको क्यों दिया जा रहा है, हमको क्यों खत्म हो। तो पता लगा कि हजारों साल से आप हमारे साथ जो कुछ करते हैं। तो उसके बाद ये कहा गया कि ठीक है, आप उस बीमारी को दूर करो। बाबा साहब का तो ये कहना था कि अगर आप हिंदू धर्म से अगर जाति को खत्म नहीं करेंगे, जो वो कहते थे कि जाति हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, खुद तो गांधी यही मानते थे। बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, तो आप ऐसा करो कि हमको अलग से ये अनटचेबिलिटी को इलीगल डिक्लेयर करो, नंबर एक सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि हजारों साल से जो हमारे साथ हुआ है वो उसको जो है उसको आप उसकी उसकी भरपाई करने के लिए कुछ करो। तो वो भरपाई करने के लिए उनकी समझ में आ गया, जो हिंदू जाति के रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी समझ में उस वक्त आ गया। लेकिन आज उसके साथ वो धोखा कर रहे हैं, और उस वायदा जो किया गया था पूरे डिफरेंस क्लास के साथ, आज उसको 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 जो है कब्र में डाल रहे हैं, उसको उसकी उसकी कब्र खोद रहे हैं इसको। यानी जो बात यह है कि वो प्रक्रिया कौन शुरू करता, वो प्रक्रिया शुरू करता जो ब्राह्मणवादी जो तत्व जो मनुस्मृति के अंदर जो जग लगे रहते थे। और ये बात मैं बहुत बहुत अहमियत से बताना चाह रहा हूं कि फिर वो जो प्रोसेस शुरू होता, वो प्रोसेस कहाँ कहाँ जाकर खत्म होता, उसका कोई अंजाम नहीं होता जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बेनिफिट्स पूना पैक्ट के माध्यम से मिले दलितों को, उसके ऊपर एक कुठाराघात है, उसके ऊपर एक हमला है। और ये अगर हम इसको ये कहें कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि उस समय के जो हिंदूवादी जो संगठन थे या हिंदूवादी लोग थे उनके बीच और दलितों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसका ब्रीच है ये। जी हाँ। और अगर बुनियादी तौर पर हम सोच लीजिए, हम विखंडन देश के विखंडित होने की बात को जरा सा इस तरह से भी समझ लें कि मान लीजिए हिंदू मुसलमान तो बंटवारा हो ही रहा था, ये कम से कम दो बंटवारे तो और हो जाते ना, ऊंची जाति एक तरफ और हम एक तरफ हो जाते ना। तो उसको बाबा साहब का बड़ा दिल देखिए, बाबा साहब का ये देश विखंडित ना हो, उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप ये कर दीजिए, आप बीमारी को समझिए और ये कोई भावनात्मक नहीं होगा। क्योंकि वहां एक सवाल उठ रहा था, हम सब हिंदू हैं, ये हमारे हिंदुओं का अंदर का झगड़ा है। बाबा साहब ने कहा हिंदुओं के अंदर का झगड़ा नहीं, ये हिंदुओं के अंदर का झगड़ा नहीं है, ये ब्राह्मणिज्म का और हिंदू धर्म जो हमारे साथ करता रहा है उसको समझने का। यही बात आप ये देखेंगे कि हमारे जो आदिवासी थे जिनको जंगली कहा जाता था, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा, जय सिंह शायद उनका नाम था, उन्होंने कहा कि जयपाल सिंह जी, उन्होंने कहा कि आप हमको जो आज जंगली कहते हैं, हम जंगली के तौर पे जाने जाते हैं, 6000 साल का नतीजा है। ये 6000 साल का नतीजा है, और ये केवल केंद्र के अंदर या देश को एक प्रजातांत्रिक समाज बना दोगे उसके बाद हमारी स्थिति बदल जाएगी, वो नहीं होगी, क्योंकि आप हमारे जंगल हत्याना चाहते हो, उस जमीन हत्याना चाहते हो, ये उन्होंने वहां कह दिया। कॉन्स्टिट्यूशन जी जी। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा वायदा हुआ उद्देश्य प्रस्ताव में 1946-47 में, जो उद्देश्य प्रस्ताव है जिसमें कहा गया कि आपको व्यक्ति की गरिमा होगी, आपको समता होगी, और समता ये वो वाली नहीं होगी कि सब बराबर है, समता ये है कि हालात के हिसाब से जिनके साथ बुरा किया गया है उनको उनकी हैसियत के हिसाब से उनको बाकी समाज के बराबर लाने में या बाकी समाज के बराबर लाने के अंदर हम उनकी मदद करेंगे, सकारात्मक हम मदद करेंगे। हाँ। और उसके बाद ये भारत के संविधान के प्रियम्बल में भी लिख दिया गया, और प्रियम्बल में ये साफ कर दिया गया यही सारी चीजें उद्देश्य प्रस्ताव के। हालांकि बाबा साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव
के पेश होने के 4-5 दिन के बाद बोलते भी ये कहा, ये नेहरू जी से पूछा कि मुझे आपकी आपके आपके इरादे पर कोई वो नहीं है, मैं आपको अविश्वास नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये बताइए जब तक आप सोशलिज्म नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप देश की संपत्ति का नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, जमीन का नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, पूंजी का नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, आप ये डिप्रेस क्लासेस को गरीबों को कैसे बांटेंगे? ये सवाल आज भी उसी तरह से मौजूद है। अगर बाबा साहब की बात उस वक्त मानी जाती, हमने बीच में कहीं सोशलिज्म घुसा दिया प्रीएम्बल में, उसके बाद सोचा कि हमने नारेबाजी करके वो सब कर दिया, उससे नहीं हुआ। ये सवाल उद्देश्य प्रस्ताव के 4 दिन के बाद आने नेहरू जी के प्रेजेंट करने के बाद बाबा साहब ने रख दिया। उठाकर पढ़ लीजिए आप उसको कि हम जब तक आप सोशलिज्म नहीं लाएंगे ये नहीं होगा। अच्छा, ये लगातार चल रहा है और उसकी उसका एक तरह से जो कल्मिनेशन हुआ है वो 7 तारीख को हुआ है। और उससे पहले मैं आपको एक और बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, कि मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में एक हिंदुत्व ने एक गुणात्मक परिवर्तन किया है अपनी चालबाजियों में, अपनी चालाकियों में। अब वो बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए भीड़ जुटाना 1992 के अंदर जो किया, 2002 के अंदर जो किया, कंधमाल में 2008 के अंदर जो किया, 1984 में जो सिखों के साथ जो किया गया, अब उसके लिए भीड़ नहीं जुटाते हैं ये। अब ये काम एडमिनिस्ट्रेशन जो हमेशा से इनके साथ रहता है और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं, यानी अब भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है, जो काम ये हिंदुत्ववादी इनका जो प्रोजेक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से करा लेते हैं। और उसके देखिए कितने हमारे सामने उदाहरण है, हमारे सामने धारा 370 का उदाहरण है, कब से निलंबित है, उस पर कोई सुनवाई नहीं, और वो सुप्रीम कोर्ट के पास ना उसका टाइम है ना कुछ है, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। उसके बाद आप जानते हैं कि जो हमारे नागरिकता के जो नियम है, हमारे नागरिकता का जो कानून को लेकर जो चैलेंजेस हैं वो उसी तरह से पड़े हैं। उसके बाद बाबरी मस्जिद का फैसला देखिए, बाबरी मस्जिद जो गुंडों की भीड़ जो 6 दिसंबर 1992 को नहीं करा पाई बाबरी मस्जिद गिराने के बावजूद, वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन्होंने बनवा ली। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि वहां पर कोई राम मंदिर नहीं था जहां बाबरी मस्जिद बनाई गई, वहां पर कोई राम जन्म स्थान है ऐसा कोई सबूत नहीं है। और वो जो बाबरी मस्जिद गिराई गई वो एक क्रिमिनल एक्ट था, उसके बावजूद किनको दे दिया आपने वो मंदिर बनाने का, उन्हीं को जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया था। और अभी 4-5 दिन पहले हाईकोर्ट, अलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो पुनर्विचार जो थी कि ये जो इनको छोड़ा गया अडवाणी वगैरह को, इनको दोबारा किया जाए, उन्होंने कहा कि नहीं अब इस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है। और जी सर, हम वापस ईडब्ल्यूएस आरक्षण के ऊपर आते हैं, ईडब्ल्यूएस के ऊपर आते हैं। देखिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की एक बात को आप बुनियादी तौर पर समझ लें कि ये बात तो कर रहा है कि जो गरीब हैं, आर्थिक तौर पर गरीब हैं, ये उनके लिए किया जा रहा है, ये उनके लिए किया जा रहा है। और बदकिस्मती से एक जस्टिस, 5 जस्टिसेस में जो 3 जस्टिसेस जो जिन्होंने इसके पक्ष में फैसला दिया, वो महेश्वरी साहब तो इसको, इसके समर्थन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर आ रहे हैं, हमारे प्रीएम्बल को लेकर आ रहे हैं। ये प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो हैं जो डिप्रेस क्लासेस गरीबों के लिए, जिनका कोई नहीं है, उनकी मदद करने के लिए थे, उनको ऊंची जाति को रिजर्वेशन दिलाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं शुरू में आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मैं क्या चाह रहा हूं कि आप बहुत तकनीकी बातों में जाएंगे, लेकिन इसका जो सिद्धांतिक पक्ष है वो समझ ले। ठीक, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेज ने यह फैसला दिया, उनमें से कोई भी एससी नहीं है, उनमें कोई भी एसटी नहीं है, कोई भी ओबीसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो स्थिति है, जो दलगत स्थिति है, जो हमारी जो रिलीजियस बेस्ड स्थिति है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज। और उसके बाद ये फैसला देते हैं कि इनको किया जाएगा। और उसका बहुत मजेदार बात है कि वो जो गरीब हैं जो उनको दिया जाएगा, उसकी स्थिति है कि 8 लाख रुपए सालाना
8 लाख रुपए सालाना जो कमा रहे हैं, 8 लाख रुपए से कम उनको मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी सरकार के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हमको ये बता रहे हैं कि, और बीपीएल वाले जो सबसे गरीब हैं उनके लिए, ऊंची जातियों के जो हैं उनके लिए नहीं है ये, जो 8 लाख रुपए से कम, यानी 8 लाख रुपए से कम का मतलब होगा जो 66,600 रुपए महीना कमाते हैं, जो 66,600 रुपए 66 पैसे कमाते हैं उनको ये मिलेगा, है ना, उनको ये मिलेगा। और दूसरी तरफ सरकार ने एक आयोग बिठाया था जिसका नाम था सिनो कमीशन बिठाया था, और उसने एनएसएसओ का, जो एक सरकारी संस्थान है स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का, उसका जो आंकड़ा जमा किया था, उसके हिसाब से सारे हिंदुस्तान के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग हैं वो 31,70,00,000 हैं। और अगर आप वो जानना चाहते हैं कि बीपीएल के नीचे कौन होता है तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। बीपीएल के नीचे जो लोग होते हैं, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास पक्का घर नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, हाँ, जिसके पास गाड़ी नहीं है, और जो उसका एक आमदनी भी है, उसकी एक खास आमदनी भी है। जी मैं बता देता हूँ आपको वो क्या है, सॉरी मैं बहुत सारे कागज लेकर बैठता हूँ इसलिए इधर उधर हो जाते हैं। ठीक, ठीक, और कागज क्योंकि बोलते नहीं है, तो मुझे तलाशना पड़ता है। बीपीएल में 6,400 रुपए से कम गांव में जिसकी महीना की आमदनी है, महीने की, अच्छा ठीक, महीना, और 11,850 रुपए पर मंथ शहरों के अंदर, ठीक, ये बीपीएल है। अरे भाई, आपने अगर गरीबों की चिंता करनी थी, ऊंची जात के लोगों की, तो इसी बीपीएल में से ले लेते आप, उसको 8 लाख की आप नहीं करते, 8 लाख की आपको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ये कर दिया। और दूसरी तरफ इस देश के अंदर जो गरीब है, जो सरकारी आंकड़ा है वो भी आपको बता रहा हूं, सारे देश के अंदर जो 31,70,00,000 बीपीएल हैं, ठीक है भाईजान, ये 8 लाख की लिमिट, 8 लाख की लिमिट के जरा संदर्भ में देखिए, इसमें 7,74,00,000 एससी हैं, 4,25,00,000 एसटी हैं, 13,86,00,000 ओबीसी हैं, ये टोटल मिलकर जो बीपीएल है ये 31,70,00,000 होता है, 31,70,00,000 होता है, इसमें से एससी एसटी ओबीसी 25,85,00,000 है, 85,00,000 और उसके टोटल 31 करोड़ है, और हाँ 5,85,00,000 ऊंची जाति के हैं। तो अगर आपने ये रिजर्वेशन देना था तो ये रिजर्वेशन बीपीएल को देते आप, ये रिजर्वेशन आप बीपीएल को देते, अगर आपकी मंशा अच्छी थी तो आपको ये डाटा कोई आपके पास ऐसा नहीं था कि मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को पॉइंट आउट कर सकता था कि आपको अगर वाकई में गरीबों की चिंता है तो जो गरीबी रेखा के नीचे है उनको ही तो आप गरीब मानोगे, जो गरीबी रेखा के नीचे है उनको आप आरक्षण देते। ये सवाल दो जजेस में से एक ने उठाया, लेकिन उन्होंने डंडा नहीं गाड़ा, अपना खूंटा नहीं गाड़ा, और उन्होंने ये जिद नहीं की कि आप ये झूठे तथ्यों पर कर रहे हैं, आप इसको बिगर बेंच के लिए लेकर जाइए, ये जो उन्होंने करना चाहिए था। अच्छा, अब आप देखिए इस सबको छुपाते हुए वो क्या करता है बंदा, मैं माफ कीजिए मैं जज का नाम क्योंकि भूल जाऊंगा, शायद महेश्वरी साहब ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो उनसे जब ये पूछा गया कि आपने ये जो 103 वाली जो अमेंडमेंट है इसको ओके करते हुए जो आप कर रहे हैं, तो आपने इसमें ओबीसी एससी एसटी को बाहर क्यों किया, तो उन्होंने फरमाया कि वो तो इतने सालों से आरक्षण का फायदा भोगते हुए बराबर हो गए, लगभग बराबर हो गए, नंबर एक बात जो वो झूठ बोल रहे थे, और इस झूठ का खंडन किया दो जजेज ने जिन्होंने अलग अलग राय दी, और उसके बाद उससे भी बड़ा झूठ
देखिए ये किस पर मुकदमा चल रहा था, ये मुकदमा चल रहा था 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को देने के लिए। इस फैसले को अगर आप पढ़ेंगे, ये पूरा का फैसला एक प्रवचन है आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ एक प्रवचन है। और उसकी क्या जरूरत थी, वो क्यों किया गया था, ये जिन दो जजेज ने डाइसेंट दिया उन्होंने नहीं पूछा, भाई आप आरक्षण खत्म करना चाहते हो, और आरक्षण का जैसे फैजान मुस्तफा साहब ने कहा, जो प्रोफेसर हैं, बहुत लीगल ल्यूमिनरी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, जो तीनों जज हैं, ये आरक्षण को खत्म करने की दुहाई देते देते एक और कैटेगरी इन्होंने आरक्षण की पैदा कर दी। और मैं जो सबसे चौंकाने वाली बात आपको आपके सामने रख रहा हूं, एक जस्टिस है परादी, क्या नाम है उनका, पर्दीवाला साहब ने 7 नवंबर 2022 को फैसला देते हुए जो शब्द कहे वो सुन लीजिए, बिल्कुल गैर जरूरी है, बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं, वो समझने की जरूरत है। लेकिन एक बहुत शर्मनाक बात जो जिसको इस देश ने नोटिस नहीं किया है वो ये है कि इसमें एक जस्टिस पर्दीवाला है जो असल में जस्टिस महेश्वरी के बाद सबसे ज्यादा घटिया शब्द रिजर्वेशन के खिलाफ जिसने इस्तेमाल किए हैं वो यही जज है, और इत्तेफाक से ये एक माइनॉरिटी से आते हैं, ये भी एक जानने वाली बात है। इन्होंने तो आरक्षण के खिलाफ बोलते हुए सीधा का सीधा गोलवलकर को कोट कर दिया है, जो उसने आरक्षण के खिलाफ जो जहर उगला था। मैं दोनों आपको सुना रहा हूं, और रजत जी और जो सुनने वाले दोस्त हैं जरा सा गौर करिए। देखिए मैं पहले परदी साहब के जजमेंट से, ये 7 तारीख के जजमेंट से आपको सुना रहा हूं, हिंदी अनुवाद। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर का विचार केवल 10 वर्षों के लिए आरक्षण की शुरुआत करके सामाजिक सद्भाव लाना था, हालांकि ये पिछले 7 दशकों से जारी है। आरक्षण अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए जिससे कि वह निहित स्वार्थ बन जाए। निहित स्वार्थ का मतलब अंग्रेजी में होता है वेस्टेड इंटरेस्ट। अब मैं गोलवलकर साहब के हिंदी के शब्द उन्हीं की किताब से आपको सुना रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1950 में गणतंत्र बनने के बाद से केवल 10 वर्षों के लिए अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अधिकार की परिकल्पना की थी, लेकिन यह जारी है, बढ़ाया जा रहा है। केवल जाति के आधार पर जारी विशेष अधिकार एक अलग इकाई के रूप में बने रहने में उनमें निहित स्वार्थ पैदा करने के लिए बाध्य है। ये बाकी समाज के साथ उनके एकीकरण को नुकसान पहुंचाएगा। वर्ड टू वर्ड, शब्द टू शब्द, ये जो बंदे हैं जिन्होंने ये जजमेंट दिया है, ये बाकायदा आरएसएस का लिटरेचर पढ़ते हैं और उससे प्रभावित हैं। मेरा एक बुनियादी सवाल है कि आप एक आरक्षण की एक और कैटेगरी बना रहे हैं, है ना, आरक्षण की एक और कैटेगरी बना रहे हैं, तो आपको आरक्षण के खिलाफ भाषण करने का क्या मतलब था? आप तो जैसे फैजान मुस्तफा साहब ने कहा, प्रोफेसर ने, जो बहुत बड़े लॉ के माहिर हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं, कि आप आरक्षण को खत्म करते करते एक और कैटेगरी आप बना दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक महेश्वरी साहब जो जिसको सफेद झूठ कहना भी शर्मनाक है, क्योंकि अंग्रेज भी इतना सफेद झूठ नहीं बोलते होंगे, वो ये कह रहे हैं कि जो ये एससी एसटी है और ओबीसी है, इन्होंने तो बहुत सालों में उसका फायदा उठा के ये काफी अच्छी हैसियत के अंदर आ गए। ये काफी अच्छी हैसियत के अंदर जो आ गए, मैं उसके लिए सरकारी आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। सरकारी आंकड़ा, और ये सरकारी आंकड़ा मोदी के बहुत भक्त है, और भक्त होने की वजह से ये कैबिनेट में है, जितेंद्र सिंह। इन्होंने मार्च 17 को इसी साल ये क्या क्या है, ये बहुत सारी चीजों के मंत्री हैं, इन्होंने डिफेंस, प्रोडक्शन, रेलवेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, पोस्ट, डिफेंस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, होम अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेवेन्यू और एजुकेशन में जो जनवरी 1 2021 की स्थिति थी वो बताई है। ठीक, रिजर्वेशन के हिसाब से एससी की 13,202 भरी गई पोस्ट हैं, 17,880 खाली हैं। ठीक, ये जो महेश्वरी साहब बोल रहे हैं ना, महामहिम महेश्वरी साहब, जस्टिस साहब जो उस बेंच के हेड भी थे, 13,202 भरी हुई है, 17,880 खाली है। 1 जनवरी 2021 का आंकड़ा है सर ये। एसटी की
9619 भरी हुई हैं, 14061 खाली हैं। ओबीसी की 11732 वैकेंसीज हैं, 19283 खाली हैं। ठीक, ये आप किस डिपार्टमेंट का बता रहे हैं ये भी बताइए। नहीं, वो तो मैंने बताया ना आपको कि ये जो सारे डिपार्टमेंट हैं, डिफेंस, प्रोडक्शन, रेलवे, फाइनेंशियल सर्विसेज, पोस्ट, डिफेंस, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, होम अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेवेन्यू एंड एजुकेशन, ये सबका मिला के आप बता रहे हैं। ठीक, ये सबसे हाईएस्ट सीनियर आईएएस की बात हो रही है जनाब। ठीक है जी, उसके और अच्छा टोटल में अगर आप जाएंगे 51,224 पोस्ट खाली हैं इस लेवल पर। ओके, जबकि 34,553 भरी गई हैं। अच्छा, उससे भी भयानक आंकड़ा अभी आने वाला है, जो सबसे ऊंचे दर्जे की पोस्टिंग्स हैं जैसे ग्रुप ए, ग्रुप ए में सारे कैबिनेट सेक्रेटरीट में जाते हैं, है ना। ग्रुप ए में 81 अफसर हैं, 81 अफसरों में सिर्फ 6 एससी हैं, 1 एसटी हैं, 2 ओबीसी हैं। फिर मैं सुना रहा हूं दोस्तों को, 81 अफसर हैं ग्रुप ए में, 6 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी। ग्रुप बी में थोड़ा सा नीचे होता है, यानी ये सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह के लेवल पर, 109 ऑफिसर हैं, 6 एससी हैं, 6 एसटी हैं, 20 ओबीसी हैं। पब्लिक एंटरप्राइज डिपार्टमेंट में के ग्रुप ए में 30 अफसर हैं, 5 एससी हैं, 9 एसटी, 9 ओबीसी। नीति आयोग में ग्रुप ए में 193 अफसर हैं, 19 एससी हैं, 13 एसटी हैं, 15 ओबीसी हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ग्रुप ओ में 221 अफसर हैं, 93 एससी हैं, 23 एसटी हैं, 29 ओबीसी हैं। इस आंकड़ों के बावजूद जो सरकारी आंकड़े हैं, जिस हिंदुत्व शासकों को ये महेश्वरी साहब या परदी साहब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने इसको भी नहीं पढ़ा है, और वो कह रहे हैं कि वो तो लगभग बराबर की स्थिति में आ गए हैं। अच्छा, अब पार्टी वाला तो जो है वो तो सरासर, मेरे ख्याल से मैंने कहीं ट्विटर पे लिखा भी था कि अब उनको त्याग दे देना चाहिए, त्याग पत्र, खुद स्वेच्छा से त्याग पत्र देना चाहिए, वो काबिल नहीं है उस पद पर बैठने के लिए। उन्होंने फैसला जो दिया वो एक अलग चीज है, लेकिन आप किसी भारत के संविधान निर्माता को गलत तरीके से आप कोट कर रहे हो कि भाई वो 10 साल के लिए रिजर्वेशन था, तो आपका नैतिक कोई आपके पास अधिकार नहीं है कि आप उस पद पर बैठे। बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बहादुर वकील हैं दलित के एस चौहान साहब, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में 10 तारीख को बड़ा आर्टिकल लिखा, मैंने ये दोनों कोट उनको भी भेजे। रजत जी वर्ड टू वर्ड, शब्द टू शब्द दूसरे वहां से उठाया है, बल्कि इस पे तो वो क्या कहते हैं, प्लेगियरिज्म होते हैं, क्या कहते हैं वो जो किसी से चुराना, जज कोई चुराना, ये उसका कर सकता है। लेकिन मैं ये ऊंची जातियों में भी सबसे ऊंची जातियों के हक में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब ये 8 लाख रुपए का करते हैं, और हमने बीपीएल का देखा क्या हालत है, आप इस बात को हमको समझना चाहिए कि इस देश के संपदा का एकाधिकार किस तरह से है। ये आईएमएफ का या ऑक्सफॉर्म का शायद है, वर्ल्ड इनइक्वली रिपोर्ट है 2022 की, सर इसको बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। टॉप 10% लोग, और उसमें से भी 1% लोग, इंडिया की 57% संपत्ति, और 1% लोग उसमें भी 22% संपत्ति के मालिक हैं। यानी 10% लोग जो हैं, और ये सारे के सारे ऊंची जातियों के हैं, वो 57% संपत्ति है, और उनमें भी 1%, यानी जातिवाद में भी जो ऊंची दर्जे का जातिवाद है उसमें से 1% तो 22% का हकदार है। और जो इस देश के 50% लोग हैं, वो केवल 13% संपत्ति उनके पास है, संपदा उनके पास है। अरे अगर आपको जरा सी भी शर्म है और आप आरएसएस की मदद करना चाहते हो, लेकिन आरएसएस तो क्योंकि सबसे ऊंची जातियों के हिंदुओं का संगठन है, उसका 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 गरीब हिंदुओं से तो कोई संबंध नहीं है, तो उन्होंने ये नहीं कर सकता। और इतिहास में पहली बार भारत का संविधान, जो फैजान मुस्तफा भी कह रहे हैं और अपना सोशियोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं, इतिहास में पहली बार एक जजमेंट, और एक डाइसेंटिंग जज ने भी कहा है, इतिहास में पहली बार आप किसी को निकालने का फैसला दे रहे हैं भारत की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं किया। आप जो मांग कर रहे थे, मैं उस मांग को बहुत जोर से कहना चाहता हूं कि इनको इनको बाहर किया जाना चाहिए,
इन जस्टिसेस को बाहर किया जाना चाहिए, इनको भारत के संविधान का 8वीं क्लास में ले जाके इनको प्रीएम्बल पढ़वाना चाहिए और इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़वाने चाहिए, इनका क्लास लिए जाना चाहिए, इनको इनको इनकी सारी डिग्रियां इनकी ले लेनी चाहिए और इनको राष्ट्र विरोधी काम करने के लिए इनको सजा दी जानी चाहिए। और खासतौर पर जबकि एक ट्राइबल एक ट्राइबल जिनको जंगली कहा जाता था हिंदुत्ववादी उसके अंदर, अच्छा एक ये सब क्या हो रहा है, ये सब बदकिस्मती से आरक्षण जो संवैधानिक है, आरक्षण जो हजारों साल के साथ जो कुकर्म किए गए, गुनाह किए गए, जुल्म किए गए, उसको बराबर करने का, हम इस देश के अंदर कभी भी अघोषित अनडिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्वेशन है उसकी कभी बात ही नहीं करते हैं, जो अभी मैंने आपको वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट से आपको बताया। अगर आपने वाकई में ये कंडीशन लगानी है कि भाई इतने के बाद ये होगा और ये जिसको मिल चुका ओबीसी एससी को मिल चुका, तो मैं एक मांग करूंगा और दलित समाज ने अभी हम सब ने ये मांग करनी चाहिए कि जिस ऊंची जाति की यहाँ एक आईएएस अफसर है, आईपीएस अफसर है, उसके यहाँ दूसरा नहीं होगा, जिसकी यहाँ एक कारखाना है उसके यहाँ दूसरा कारखाना नहीं होगा, जिसका एक बड़ा फार्म हाउस है उसके बाद दूसरा फार्म हाउस नहीं होगा। आप अघोषित अघोषित रिजर्वेशन जिसको आप हजारों साल से आरोप कहते हैं, मेरिट की वजह से है, मेरिट की वजह से है, आप उसको जो मेरिट नहीं है, आप जो है कॉलेजेस के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर आप मैनेजमेंट का कोटा रखे हुए हैं, आप मैनेजमेंट का कोटा रखे हुए हैं, आप जो है सारी दुनिया भर के लोन लेने के लिए आपने कंडीशंस आपने रखी हुई हैं, आपने आपने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और आपने आपने रेलवे के अंदर आरक्षण रखा हुआ है। अरे हाँ। आरक्षण खत्म करना है तो रेलवे के अंदर खत्म करो ना आरक्षण, और आप भी जाके उसी दिन जाके सुबह टिकट लो, आपके पास पैसा है तो आप पहले आरक्षण करा सकते हैं, ये सब नहीं चलेगा। और सबसे बुनियादी बात यह है कि इस देश के साथ, इस देश की अस्मिता के साथ, इस देश का संवैधानिक जो ढांचा है उसके साथ सैद्धांतिक बलात्कार किया जा रहा है, एक बलात्कार किया जा रहा है, ये इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, ये देश को खत्म नहीं होने देना चाहिए। और हमने ये मांग करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच के अंदर एससी एसटी माइनॉरिटीज का उनकी जाति के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और मैं मांग कर रहा हूं, बहुत सालों से मांग कर रहा हूं कि ये देश में रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आपका जितना अनुपात है, आपकी आपकी आबादी में जितना अनुपात है, दुनिया के बहुत सारे देशों में है, फ्रांस के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, आपके अनुपात के हिसाब से आपकी हिस्सेदारी संस्थाओं में होनी चाहिए। बदकिस्मती से संस्थाओं को, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को, जो अच्छा अच्छा संविधान उन्होंने बनाया था, उसमें जो कुछ अच्छा बचा है उसको खत्म करने के लिए ऊंची जात के लोगों ने या उनके दलालों ने सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया है, और इसको हमको कभी भी नहीं होने देना चाहिए। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं जब ये वर्डिक्ट आया तो उसके बाद मैं थोड़ा सर्च कर रहा था कि पूरी दुनिया में जो अफर्मेटिव एक्शन है या सकारात्मक भेदभाव है, रिजर्वेशन, कुछ भी आप कह लीजिए, अलग अलग नामों से अलग अलग जगह चलता है, तो वो किस आधार पर दिया जाता है। और मैंने कुछ 3-4 जो देश हैं उनमें मैंने समझने की कोशिश की, तो किसी भी जगह पर आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता जी। रिजर्वेशन का जो पूरा मूल जो सिद्धांत है वही रिप्रेजेंटेशन का है, ना कि आर्थिक उन्मूलन का है, लेकिन इस देश के कथित मेरिट धारियों ने उसको आर्थिक उन्मूलन कार्यक्रम बना दिया। आपने मुझे एक ऐसे पहलू की तरफ जो मैं भूल गया था, इतनी सारी चीजें होती है ना। अरे अगर तुमको इस देश के आम गरीबों की और ऊंची जाति के रोजगार की चिंता है, बाबा साहब के संविधान में एक धारा 41 है, काम करने का अधिकार, काम करने के अधिकार को क्यों नहीं फंडामेंटल राइट बना देते। आप रिजर्वेशन जिनको हजारों साल से जिनके साथ बुरा किया गया, उनको जो थोड़ी सी एक रोटी का टुकड़ा दिया गया है, पूरी ब्रेड में से, पूरी रोटी में से एक टुकड़ा फेंका गया, उसको खत्म कराने के कर रहे हो। तुमने राइट टू वर्क इस जजमेंट में बदकिस्मती से उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का भी हवाला दिया है इस जलील काम को समर्थन के लिए। इनको धारा 41 याद नहीं आती है। अरे धारा 41 कर दो,
अमेरिका के अंदर है काम करने का अधिकार, इंग्लैंड के अंदर आपको बीमार होने पर कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, आप सारा नेशनल हेल्थ स्कीम जो एनएचएस के अंदर आप जाते हैं, फ्रांस के अंदर आपको आपको भत्ता मिलता है, जर्मनी के अंदर आपको बेरोजगारी का भत्ता मिलता है, मेंटेनेंस भत्ता मिलता है, आप जो कुछ दिया गया है जो खराब से खराब दिया गया उसको ले रहे हो। और हमने मांग करनी चाहिए, मुझे लग रहा है कि आज वक्त आ गया है कि बहुजन ने मांग करनी चाहिए कि आप राइट टू वर्क दो, और हमको ये बात बताना चाहिए कि हम किसी का एहसान किसी की भीख नहीं लिए, ये हमने लड़कर जीता है। और आरक्षण जो है वो एक बीमार समाज, एक बदबूदार समाज का चिन्ह है, उसको खत्म करना है तो आपने रिजर्वेशन को जारी रखना पड़ेगा और राइट टू वर्क देना पड़ेगा। इसके साथ मेरे ख्याल से अब ये जो पिछली जो यूपीए की जो गवर्नमेंट रही, जो स्पेशली जब वो गठबंधन की सरकार में थे, तब जो मनमोहन सिंह हैं उन्होंने शुरू की थी एक कवायद की दबाव, काफी दबाव के बाद, कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी रिजर्वेशन लागू किया जाए। लेकिन उसके बाद जब वो बहुमत में आते हैं फिर वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो हमारे लोगों को समझ, इसकी शुरुआत भी ये EWS की शुरुआत भी मनमोहन सिंह जी ने की थी। मोदी साहब बोलते हैं, हाँ। मोदी साहब बोलते हैं कि ये तो मनमोहन सिंह ने किया था। मनमोहन सिंह ने जो जो किया था उसी की तो आज देश कीमत भूल जाए, कि आप भी मोदी साहब भी पावर में आ गए, मनमोहन सिंह का ही किया धरा है तो वो छोड़िए। हाँ नहीं, लेकिन मैं मेरे कहने का मतलब ये कि वो हमें मांग दोबारा करनी चाहिए कि हमें प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि 97% जॉब्स वो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है, असंगठित जो पूरे रोजगार है वहां पर है, हमें उसकी डिमांड करनी चाहिए। उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। रजत भाई, इस तरह के बड़े संस्थान है प्राइवेट जो दलितों को नौकरी नहीं देते हैं, अलिखित कानून है, मुसलमानों को नौकरी नहीं देते हैं, ईसाइयों को नौकरी नहीं देते हैं, सिखों को नौकरी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश के अंदर कंपनियां, मैं उनके नाम गिनवा सकता हूं कि जिसमें लिखा हुआ है, लिखा उनका उनके वोट का वो सारा है कि नहीं। वो किससे साबित होता है, किससे साबित होता है कि आप उनका, जब आप उनका पोर्टफोलियो देखते हैं कौन कौन नौकर हैं। आज लोन लेना मिलना कितना मुश्किल है दलितों को और मुसलमानों को, नहीं मिलता ना, नहीं मिलता लोन। मैं यहाँ पर एक हवाला दूंगा, एक रिसर्च की थी मुझे, एक दलित पत्रकार है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी दिल्ली में रिसर्च की थी, जहां पर कि उन्होंने सरनेम चेंज कर करके जो रिज्यूम है वो भेजे थे, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जहां पर भी दलित कम्युनिटी के सरनेम्स के साथ रिज्यूम भेजा जा रहा है उनको सीधा उठा के डब्बे में, कचरे के डब्बे में डाला जा रहा है, और वही नाम है, वही क्वालिफिकेशन है, वही सिर्फ सरनेम चेंज करा है, और वहां पर अगर अपर कास्ट का सरनेम है तो उसको सिलेक्ट किया जा रहा है, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये हमें इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से समझना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं इसको आखिरी दौर में लेकर जाना चाहूंगा, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आरएसएस के लोगों ने अपना गढ़ बना लिया है, उस पर आपकी क्या समझ है? ये असल में ये 47 से ही किया हुआ है। अच्छा, आप ये समझ लीजिए कि आरएसएस ने, क्योंकि ऊंची जाति को ये सूट भी करते थे ये जॉब्स ना, ऊंची जाति को सूट भी करते थे, दादागिरी होती है फैसला करने का। असल में आप जानते हैं ना, ब्राह्मण जो है सारे फैसला कराने का उनका परंपरागत वो माना जाता था, ज्ञान उन्हीं के पास है, वो समझते हैं, वो ठेकेदार हैं। आप समझ लीजिए कि आरएसएस का जो वकीलों का संगठन है, राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ, वो कितना पावरफुल है कि बहुत सारे जस्टिसेस और चीफ जस्टिसेस उसके पदाधिकारी बनते हैं। और आपको बता दूं एक बहुत शर्मनाक बात, कि एक मुसलमान जस्टिस है अभी की सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम है जस्टिस नजीर। आप क्या आप ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने आरएसएस के इस संगठन के सांगठनिक आयोजन में भाषण किया, और भाषण करके कहा कि मनु स्मृति और चाणक्य की जो डेमोक्रेसी थी वो, ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी वेस्टर्न जुडिशियल सिस्टम हमने अपनाया है वो गलत है, वो वेस्ट से उधार लिया है हमने चाणक्य और हमने मनुस्मृति की जो न्याय की व्यवस्था उसको करना चाहिए। मैंने फ्रंट लाइन में उस पर उनको जवाब लिखा और बताया कि चाणक्य ने औरत अगर घर से बाहर चली जाए तो क्या क्या सजा देनी है, दलितों के घर कहाँ पर होने हैं, उनको
जो राज का विरोधी है उनको कितनी 12 तरह की सजाएं दी जा सकती हैं, उल्टा लटकाया जा सकता है डंडा, और डंडा कहां से कहां घुसाया जा सकता है, और उसके बाद मनुस्मृति ने क्या क्या किया। ये जस्टिस नजीर माइनॉरिटी का आदमी है, सबसे ज्यादा लंबा जज रहने वाले हैं ये। और पारदीवाला भी, आपको मैं बता दूं, पारदीवाला जाएंगे कि नहीं, पारदीवाला जो हमारे आज के चीफ जस्टिस है, इनके पास सबसे लंबा, उनका 2.5 साल का टर्म होने जा रहा है। तो हालांकि मुझे लग रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र के चीफ जस्टिस होंगे। वो शायद हो सकता है अगर इस देश का जो बहुजन समाज है वो जागरूक नहीं अगर होता नहीं, क्या करे जी। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपने जो माइनॉरिटी की बात की, मिस्टर नरी जस्टिस नजीर की आपने बात की, इसी तरह जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वो भी मनुस्मृति से काफी प्रभावित थे। ये बहुत कम लोग उनको वो सिर्फ हवा में सारी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, लेकिन ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूँ जन समाज को जो देख रहे हैं सुन रहे हैं कि आप उनकी किताब जब पढ़ेंगे तो उन्होंने एक जगह ये बाकायदा लिखा है कि उन्होंने मनुस्मृति से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। नहीं, अब देखिए ना, मैं एक 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 क्योंकि परसों ये खबर आई है फोटो के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी प्रेसिडेंट जो है मैडम मुर्मू, वो गई जगन्नाथ टेम्पल और उन्होंने बहुत आदर और इज्जत के लिए 2 किलोमीटर पैदल चली एक आदिवासी, और वो जो है वो उसमें जो भगवान है वो आदिवासी भगवान है, 15,000 पुलिस वाले उनके उनके 2 किलोमीटर के अंदर गई, या तो इनकॉग्निटो वो चली जाती, 15,000 पुलिस वालों ने व्यवस्था की। और दूसरी बात जो मैं जगन्नाथ टेम्पल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, विवेकानंद जी को पढ़ लीजिए, और मुझे लग रहा है कि मुर्मू जी, क्योंकि एक ट्रैवल उससे आती है, उनको जानना चाहिए कि पुरी का जो मंदिर है वो बुद्धिस्ट टेम्पल है। विवेकानंद जी ने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है, विवेकानंद जी ने लिखा है कि जगन्नाथ का जो टेम्पल है, पुरी का जो मंदिर है, वो बुद्धिस्ट टेम्पल था। वी हिंदुआइज दैट, आई एम कोटिंग हिम, वी हिंदुआइज दैट and we have to do it many times. ये तो क्या जी, हाँ बोले बोले, तो ये जो है वो सारा यानी ब्राह्मणीकरण हो जाता है सबका। हाँ, जो भी वहां पे जो भी बेसिकली मैं ब्राह्मणीकरण वहां पहुंच के नहीं होता, उनका पहले से ब्राह्मणीकरण हो चुका होता है, वो तो इसीलिए उनको वहां बिठाया जाता है, इसीलिए उनको वहां बिठाया जाता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कांग्रेस के शुरू के दौर में, नेहरू के दौर में ये स्थिति नहीं थी। उस वक्त में जैसे बाबा साहब आए, मुसलमान भी जो आते थे, पढ़े लिखे मुसलमान और जो सेकुलर और वो होते थे उस तरह के आते थे, ये तो बाद में असल में नरसिम्हा राव के बाद खास तौर पर ये शुरू हुआ, जब मौलवी पंडितों का जमघट लगने लगा वहां, धार्मिक उनका, उससे पहले नहीं था ये चक्कर, कम था, काफी कम था। लेकिन खैर, कांग्रेस में बदलाव की उम्मीद तो मुझे कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का बहुत ही खुले रूप से समर्थन उन्होंने किया है। खैर, झगड़ा हो रहा है वो राहुल ने उस पर सवाल, जैसी मेरी जानकारी है, उसको उस फैसले को वापिस लेने जा रहे हैं, और गुजरात के अंदर उन्होंने बिल्किस बानो के उनकी सजा को माफ नहीं करेंगे और उनको जेल भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। ये पहली बार कांग्रेस ने गुजरात में स्टैंड लिया है। अगर ये ऐसा स्टैंड ले रही है तो शायद अकल दे उनको। लेकिन जो अभी तक जो मैंने सुना है, जहां पर भी जितने भी स्पोक पर्सन जा रहे हैं, प्रवक्ता जा रहे हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं। मुझे नहीं पता उनकी क्या समझ है, क्या कहते हैं। खैर, हालांकि तो कांग्रेस से तो क्या ही उम्मीद की जाए, जब मायावती जी उसका स्वागत कर रही है, अखिलेश यादव उसका स्वागत कर रहे हैं, तो बाकी इन लोगों से क्या ही मैं उम्मीद करूंगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतनी सारे इंसाइट दिए, आप ऐसे ही हमारे बीच बने रहे, आप हमें हमारा ज्ञान वर्धन करते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय विनम गुप्ता, आप जैसे साथियों से मुलाकात होती रहे, आप जैसे लोगों से जो ये सब काम कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे लोगों की जिंदगी बेकार नहीं जाएगी। जय भीम इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम इनकलाब जिंदाबाद सर, शुक्रिया।